जी हाँ, हमारे भारत के लोग और अन्य देश के लोग वैसे ही कोरोना की महामारी से परेशान हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि हमारे भारत देश में और अन्य देश में बर्ड फ्लू फैल चुका है। आखिरकार इस बर्ड फ्लू बीमारी का क्या लक्षण है और दोस्तों सबसे ज्यादा किसको सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे में अगर आप चिकन और अंडा खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत में कोरोना वैसे ही परेशान कर रहा है और हमारे अन्य देश में और हमारे भारत देश में एक और बीमारी फैल चुकी है जिसका नाम है बर्ड फ्लू। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बर्ड फ्लू के बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हमारे WHO ने इसके बारे में क्या जानकारी बताई है और इसके साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च में कौन सा भयंकर खुलासा निकल कर आ रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो अगर आप भी बर्ड फ्लू बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है और हमारी उम्मीद बनती है आगे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज की जानकारी लेकर आने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों बता दें आपको कि बर्ड फ्लू एक ऐसा बीमारी है जो कि पक्षियों से उत्पन्न होता है और इस बीमारी को लेकर के हमारे WHO ने यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको विशेष सलाह दी है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत देश के कई राज्य में इसका कहर देखा जा चुका है। लगभग 5 राज्यों में इसका ज्यादा गंभीर हालात देखे गए हैं, जिनमें से पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और हमारा चौथा राज्य है मध्य प्रदेश और हमारा पांचवा और लास्ट राज्य है केरल। यानी कि दोस्तों इन्हीं 5 राज्यों में हमारे बर्ड फ्लू का ज्यादा महामारी देखी गई है। तो अगर आप इन सभी राज्यों से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत देश में वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है और इसी दौरान हमारे भारत देश में एक और बीमारी फैल चुकी है जिसका नाम है बर्ड फ्लू और दोस्तों लगभग 5 राज्यों में हमारे इसके ज्यादा गंभीर मामले देखे जा चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यह जो हमारा बीमारी बर्ड फ्लू फैल चुका है वो हमारे किस तरह से हमारे भारत देश में असर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे जानकारों का मानना है कि सबसे पहले यह बीमारी यानी कि दोस्तों हमारा बर्ड फ्लू बीमारी सबसे पहले पक्षियों से उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे इसका असर मानव जाति में भी देखा जा रहा है। तो इसीलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी सावधान रहने की जरूरत है और जो लोग ज्यादा चिकन और अंडा खाते हैं उनको विशेष और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे WHO ने यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको विशेष सलाह दिया है कि जो लोग ज्यादा चिकन और अंडा खाते हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि हमारे चिकन और अंडा से ज्यादा यह बीमारी फैल रही है। और वहीं दोस्तों हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों के रिसर्च में यह खुलासा निकल कर आया है कि हमारे बर्ड फ्लू का दूसरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत देश में भी बर्ड फ्लू वायरस का नजारा देखा जा चुका है। लगभग हमारे भारत देश के 5 राज्य चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य की बर्ड फ्लू की जैसी कोई खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर दोस्तों आप अंडा और चिकन खाते हैं तो आप अंडा और चिकन खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे भारत देश में और अन्य देश में जैसे हमारे कोरोना की महामारी फैली थी वैसे ही हमारे भारत देश में बर्ड फ्लू की बीमारी भी देखी जा सकती है। तो इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप चाहे किसी भी राज्य से आते हैं तो आप अंडा और मांस मछली खाना छोड़ दीजिए, वरना आगे आप इसकी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मेरा काम है आपको अलर्ट करना, मैं आपको अलर्ट कर दिया हूँ। तो बस आज आपको बर्ड फ्लू के बारे में लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। तो इन्हीं सही महत्वपूर्ण बातों के साथ आज का यही वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।